हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? इंडियन पॉलिटिशियन थग लाइफ, बीजेपी थग लाइफ। चले वीडियो देखते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन की थग लाइफ है और देखते हैं बीजेपी का पल्ला भारी होगा, क्योंकि बीजेपी मतलब ज्यादा वो क्या कहते हैं, मतलब लोग ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप किसको पसंद करते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को। और मुझे पार्टियों का नहीं पता, बस ये दो पार्टियों का मुझे पता है। कांग्रेस वैसे उसको कहते हैं, कांग्रेस मतलब बीजेपी एक पार्टी हो गई, कांग्रेस मतलब सब पार्टियों का एक नाम होता है कांग्रेस, है ना। पाकिस्तान में तो ऐसा है, आप लोग बताना इंडिया में क्या होता है, बताना लाजमी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी गो चैनल बी। ये राजनीतिक बात नहीं है, okay. ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है जवाब। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूँ, ये बहुत क्यूट लगते हैं। कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? मोदी जी भी बहुत चला पकड़ लिया भाई, ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं। नाच के पागल। आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है ये तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। क्या चीज हुई थी वैसे, इसका बैकग्राउंड? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे, तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, तो क्या मैं यह भजन मंडली चलाने आया हूँ क्या? अपनी जेब से डालेंगे, तू बाप बनेगा, सर पे चढ़ेगा, घर तक छेद के मानेंगे, एक बार और मुंह खोल तेरे कुलचा फेंक के मारेंगे। एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, वाह, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। भगवान तेरी आत्मा को शांति। आज हम कहां है उसका पता तब चलता है कल कहां थे। ओके, और वो भी ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं क्या कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं, मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूं। क्यों रद्दी वाला है तू? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे जग। रामदेव को बहुत मानता हूं, बहुत ज्ञानी है और उन्होंने हमारे देश को योगा के लिए विदेशों में चमकाया है, और इतने कर्मठ कर्मयोगी हैं कि मैं समझता हूं, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करता हूं कि मैं उनको जानता हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है।
कांग्रेस को लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हार गए, वो बच गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अगला साल खत्म होने से पहले राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ आपने जो आरोप गड़े हैं आप उन्हें सिद्ध कर पाएंगे? जी, सिद्ध। आपके हिसाब से ये जेल जाएंगे? जेल को जाएंगे। और अगर नहीं गए तो? ये अगर की बात कैसे आ गई? आपने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास। कायर होते हैं वही सोचते हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं अभी युद्ध में हूँ और मैं कहता हूँ मैं जीतने वाला हूँ। आप मुझे माफी दे दोगे तो मैं यहाँ से निकल सकता। तो यही मरेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5-3 जज बैठे, वो कहते हैं नहीं, नॉट नेसेसरी, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत नहीं है। और जो ये पांच बेंच की जो जजमेंट है वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, थोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में। फर्ज करिए आप जीत जाते हैं तो फिर वो केस तो इन्फेक्शस होगा, यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डिमोलिशन का उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों तरह के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए, नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, शाहबानु में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी, हम तो जीतने वाले हैं यहाँ तो। हम जिस दिन अपनी औकात पर आए ना, तुम्हारे अदब की पुड़िया बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, ना पादे निकलेगी ना हगे। नहीं थे पिटवाया आपने, आपकी पार्टी कान से चम्मच निकालो, पहले मैं चम्मच निकाल के कुछ नहीं होता है, सुनना शुरू करो, कान से चम्मच निकालो बाहर, पहले सुन नहीं पा रहे हो सत्य को, जब तक कान में चम्मच डाल के रखोगे तब तक सत्य सुन नहीं पाओगे, सत्य सुनो, सत्य को स्वीकार करो, कान खोलो पहले और फिर ये कान से चम्मच निकालो, पहले ये कान से चम्मच निकालो, ये कान से चम्मच निकालो, चम्मच नहीं है वो, क्या है ये ब्लूटूथ, अरे टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, ये तो टूथलेस टाइगर बना हुआ है, उस टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, कुछ ब्लूटूथ ब्लूटूथ काम नहीं करने वाला है, आप लोगों का हंसने का होने वाला है, आप देखना इंतजार कर। तो मेरे को जानता नहीं है, मैं खाली सांस लेता हूँ ना तो सामने वाला टूट जाता है। तो अच्छा माउथ फ्रेशनर चूस ना चूसे, तू मेरी ले रहे, तू मेरी ले रहे। रवीश जी को कौन नहीं जानता, पत्रकारिता की जगत का चमचमाता सितारा है। अजी सितारा क्या सूर्य, आप उन्हीं से पूछे वो बता देंगे आपको कि पत्रकारिता में उनको छोड़कर अब कोई बचा नहीं, ऐसा वो बार बार कहते हैं, क्योंकि मूढ़ जनता मानने को तैयार ही नहीं होती है कि वो अंतिम पैगंबर है पत्रकारिता के। जी एक निर्मोही व्यक्ति हैं, कहते हैं कि टीवी फोड़ दो, स्क्रीन मत देखो, ऐसा सन्यासी व्यक्तित्व आखिर कहाँ मिलेगा जो हर रोज मनमोहक मुस्कान के साथ आपसे कहता है टीवी मत देखिए और स्वयं हर रात्रि टीवी पर आ जाता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार, भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 1980 में तब हमारी दो सीटें और सोच समझ कर ज्वाइन किया था, और आज मैं इतनी लंबी सफर कर यहाँ का, हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी इला शाह कर, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, वो कहती थी कि भाई अच्छा बोल लेते हो, अच्छा सोचते हो, ये कहाँ पोस्टर लगाने वाली पार्टी में चले गए। उस वक्त हमें कहती थी और उस वक्त भी तय किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे ये पोस्टर लगाने वाली पार्टी में ही रहेंगे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक यार। हाँ, बहुत अच्छी थी एडिट जो मतलब की थी ना, मतलब वो जो क्लिप्स थे वो तो क्लिप्स फनी थे, लेकिन जो उन्होंने एडिट करके वो मूवी के उसमें डाला था बहुत ही जबरदस्त एडिट की थी। तो इस बंदे को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, चैनल बी नाम है इनका, तो लाजमी सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मजा आ गया वीडियो का, इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ही सैवेज, बीजेपी तो बहुत ही सैवेज है यार,
स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है ये लेके जाएगी 50 साल कि इनके जो आगे सिर्फ मोदी जी नहीं बाकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। आप लोग भी बताना आपको ऐसा लगता है कि नहीं। और राहुल गांधी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं यार, बहुत ही स्वीट और मतलब कि दिल के साफ लगते हैं मुझे। वो बस कुछ बोल जाते तो उसकी वजह से मजाक बनता है उनका, लेकिन वो दिल के साफ लगते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको लगते हैं कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।